आपका नाम? डॉक्टर इरफान मलिक, नगराध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बड़ौद, अध्यक्ष खिदमत सोसाइटी। आप ईद पर क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद के लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सभी को, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा जो हमारे उलेमा हजरात सभी से गुजारिश भी कर रहे हैं और अदा भी कर रहे हैं कि ईद की नमाज हम घर पे पढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया से एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे। अगर हम सुरक्षित हैं हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए सभी से दोबारा से ये गुजारिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, कोरोना की जंग को जीतना है तो ईद की खुशियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी। दूसरा सबसे बड़ी गुजारिश मेरी ये है कि जब हम ईद की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इस्लाम में, मस्जिदों में हमने नमाज अदा नहीं की, तो फिर हम किस बात की ज़्यादा खुशी मनाएं, किस बात की शॉपिंग करें? इसलिए हमें बेफजूल की खर्ची से बचना है। जो खर्च हम खरीदारी पर करना चाहते थे उसी खर्चे से उसी पैसे से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीबों की मदद करेंगे, वही हमारी असल ईद होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद।